दोस्त, मैं आज कुछ बोलने वाला, वो भी बहुत कुछ बोलने वाला जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। मैं 2009 में मैट्रिक पास कर गांव से पटना गया, वहां 2011 में इंटर किया। 2015 में मैथ से ग्रेजुएशन किया, इसी बीच जनरल कंपटीशन का तैयारी भी चालू रखा, वो भी सिर्फ नाम का। मैं पढ़ाई के नाम पर लाइब्रेरी बोरिंग रोड में, वो भी एसी वाली, क्योंकि पापा ने पैसों की कमी नहीं होने। शाम में आईपीएल देखना, टाइम पास करना, दिन में भी सिर्फ नाम का पढ़ा, क्योंकि दिमाग सही था, कुछ जल्दी सोच लेते थे, समझ लेते थे, जिसके कारण रिजल्ट भी आया। किसी में मेंस में 1 नंबर से नहीं हुआ, किसी में 2 नंबर से नहीं हुआ, जैसे आरपीएफएसआई का रिटर्न एग्जाम निकाला तो उसमें फिजिकल नहीं हुआ, सीपीओ में 4 बार रिटर्न निकाला, फिजिकल नहीं हुआ, कमी तो मेरे अंदर ही होगी कुछ। इसी बीच 2020 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, अपना स्तर मैंने नीचे गिराया, उसमें हो गया और ज्वाइन भी कर लिया। कुछ दिन बाद शादी भी हो गई। दोस्त, जब ग्रुप डी में मैं जॉब कर रहा था, ड्यूटी करते वक्त मैं यही सोचता रहा था, 10 साल बोरिंग रोड पटना में रहकर ग्रुप डी सोच सोच कर, सोच सोच कर ललाट पर पसीना आते रहता था। इसी बीच एनटीपीसी रेलवे का मैंने मेंस दिया इलाहाबाद बोर्ड से, जिसमें मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन जो कि अभी वेटिंग में चल रहा है। और मन टूटा, फिर अपने आप को संभाला, फिर पढ़ाई चालू की, क्योंकि 2022 का सीजीएल आ चुका था, प्री दिया निकला, मेंस भी दिया, काफ़ी उम्मीद थी, पढ़ाई ज़्यादा किया, लेकिन नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले ही उसका आंसर किया है, ऑल ओवर तो नंबर अच्छा है, 287 नंबर, लेकिन कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था जिसमें 13 नंबर लाना था, जिसमें मेरा सिर्फ 5 नंबर आया, क्योंकि मैंने इसे लाइटली ले ली और मैं यहाँ भी डूब गया। दोस्त, मैं 4 दिन तक सोया नहीं। दोस्त जो कि मेरे थे, सब कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए और मैं वही रेलवे ग्रुप डी, जो अब की ग्रुप सी हो चुका है, लेकिन मैं 10 साल पटना रहकर उसके रेशियो में कुछ नहीं। दोस्त, मैं आज इसी वक्त आपसे और गगन प्रताप सर आपसे, नीतू मैम आपसे आज ये वादा करता हूँ, आने वाली जो सीजीएल 2023 की फॉर्म आ चुकी है, इसमें मैं अंडर 100 रैंक लाऊंगा और सीएचएसएल 2022 जो कि पूरी हो चुका है, मेंस से देना है आज से 2.5 मंथ बाद, इसमें अंडर 500 रैंक, क्योंकि टाइम कम है, लाऊंगा। अगर नहीं लाया तो दोस्त आप लोग मेरे ऊपर थूकिएगा और मेरे ऊपर हक दीजिएगा, आज मैं ये वादा करता हूँ। और सिर्फ पढ़ाई। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।